Welcome to our travel vlog. Hey दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हम गए थे उज्जैन और बस अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। रास्ते में हम आप बने रहिए इस वीडियो में। आज हम ओमकारेश्वर के बारे में आपको हर वो दिलचस्प बात बताएंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, रास्ते में हैं हम, तो रास्ते में क्यों ना कुछ बातें कर ली जाए। यहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो आपने कभी नहीं जाने होंगे ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ओमकारेश्वर की कहानी क्या है, ओमकारेश्वर का दूसरा नाम क्या है, क्यों ओमकारेश्वर इतना प्रसिद्ध है या क्या विशेषता है यहाँ की, और ओमकारेश्वर मंदिर किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। ये दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम नर्मदा नदी के पास। जी हाँ, ओमकारेश्वर में है नर्मदा नदी और एमपी में बहुत सारी जगह आपको नर्मदा जी देखने को मिलेगी, लाइक होशंगाबाद, अमरकंटक जहाँ से वो निकली हैं, और महेश्वर में। बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर और दो पार्किंग यहाँ पर है। पहली पार्किंग छोड़ के हमने दूसरी वाली पार्किंग में गाड़ी पार्क करी थी बिकॉज हम ज़्यादा दूर पैदल नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ लाइन मिले लंबी लंबी, ये सोच के हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से जो नज़ारा था वो इतना खूबसूरत था कि बस देखते ही बन रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था यार। रीज़न है, ठंड का टाइम है और ठंडा ठंडा मौसम, उसके साथ पानी, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपने देखा होगा जहाँ शिव जी हैं वहाँ नेचर तो होता ही है, क्योंकि नेचर इज़ प्रकृति एंड हु इज़ प्रकृति, इट्स पार्वती। तो जहाँ शिव है वहाँ पार्वती तो होनी ही होनी है, इसलिए जहाँ शिव जी हैं वहाँ आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। तो ओमकारेश्वर भी एक बार ज़रूर आइए इन व्यूज़ का मज़ा लेने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर ओमकारेश्वर की पौराणिक कथा की हम बात करें तो राजा मंधाता ने शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और राजा मंधाता ने वरदान में मांगा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर वास करें, हमारे शिव जी ओमकारेश्वर में वास करें, और शिव जी ने प्रसन्न होके उन्हें वरदान दिया था कि वो हमेशा यहाँ वास करेंगे ओमकार के रूप में। दोस्तों, हम लग चुके हैं लाइन में और हमें लग रहा था कि भीड़ उतनी नहीं मिलेगी, पर काफी भीड़ थी। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। बहुत मची हुई है, ये देखो पीछे, ये देखो आगे, भीड़ ही भीड़ है। 1820 में लिंगराज द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया था। ये मंदिर इंडो सेरेसेनिक शैली में बना हुआ है, इसमें केरल की टाइल वाली छतें हैं। बस स्टैंड से ये मंदिर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ओमकारेश्वर का एक दूसरा नाम भी है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर स्थित है जिसे मंधाता या शिवपुरी भी कहा जाता है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूसरा नाम ममलेश्वर भी है, क्योंकि यहाँ पर दो स्वरूप में ज्योतिर्लिंग पूजा जाता है, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि बहुत भीड़ थी मंदिर में, हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था और बस हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर शंकर जी के दर्शन करने के लिए, मगर लाइन इतनी लंबी है कि हमें इतना समय लग रहा है। और अभी आपको दिखेगा अंदर का नज़ारा भी। जी हाँ, मोबाइल अलाउ था। ये
ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितने ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक ओंकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का एक विशेष महत्व है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, यमुना जी में 15 बार स्नान करने से और गंगा जी में 7 बार स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना केवल एक बार नर्मदा जी में स्नान करने से प्राप्त होता है। अच्छा, हाँ, समझ गई, अभिषेक करने के लिए यूज होता है। नंबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? संगी, ओके। भीड़ बहुत थी दर्शन करने में, क्यों बाट लगी हम लोगों की? नहीं बहुत कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। नहीं, ये डमरू बचपन या लाइट चली गई यहाँ पे। मंदिर दर्शन के बाद हम आए वोटिंग के लिए। बस एक प्रॉब्लम थी यहाँ की वोटिंग में कि अभी जैसे कि आपने सुना डीजल वाली वोटिंग है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, विच वॉज वेरी इरिटेटिंग। अदरवाइज हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि व्यू बहुत प्यारे थे। यहाँ से एक विष्णु भगवान की मूर्ति भी दिखेगी आपको अभी पास में, जो कि बहुत अच्छी थी। काफी दूर से दिख रही थी बट लग रहा था कि काफी अच्छी मूर्ति है। आप थोड़ी गोट की आवाज कम हो गई है। हमने तो बहुत एंजॉय किया इस व्यू को, आप भी थोड़ा एंजॉय करिए हमारे साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। ऐसा सुना गया है कि जिस तरह से उज्जैन में कमर्शियलाइजेशन हुआ है, मतलब डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह ओंकारेश्वर में भी डेवलपमेंट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये इस तरह से कमर्शियलाइजेशन करना टूरिज्म को बढ़ावा देना सही है या गलत है? आप अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं भी आपको बताऊंगी, हम डिस्कस करेंगे कि कितना यूज़फुल है ये।
उज्जैन से ओंकारेश्वर पड़ता है करीबन 80 किलोमीटर और हम गए थे महू से तो हमें ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, मतलब अराउंड 60-70 किलोमीटर पड़ता है ओंकारेश्वर महू से। उज्जैन से पड़ता है 140 किलोमीटर, इसका मतलब आप एमपी में आके दो ज्योतिर्लिंग कवर कर सकते हैं। जी हाँ, तो ज़रूर आइए एमपी में ओंकारेश्वर और उज्जैन, और उज्जैन में तो अभी काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। क्या बात है, खाली भैया अब भी खाइए आपकी, ये तो वीडियो नहीं बनाने देते ना, कच्चे केले की बनाते ना भैया। हाँ, गरम गरम चिप्स। दोस्तों यहाँ मैंने आपको ओंकारेश्वर तीर्थ से रिलेटेड इतनी दिलचस्प बातें बताई हैं, और यहाँ मैं आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रही हूँ जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आपके लिए सवाल है कि पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है और वो कहाँ पर है। इंडिया में ही है ये मैं आपको हिंट कर देती हूँ, बट आपको बताना है कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है और वो कहाँ पर है। जरूर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और सही आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी और कंफर्म भी करूंगी कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है।